समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के दो पार है, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। चार धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब हमारी यात्रा नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे चार धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है, इसे खुद पांडवों का मंदिर है। उसकी इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग छह महीने हिमालय की गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग पुराना है। दीदी बद्रीनाथ जी भगवान विष्णु के इस तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंडरपुर पहुंचते हैं। संत परंपरा का आधार भी है। महाराष्ट्र से आप सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। वाहे गुरु जी की फतेह। जो भूमि सोमनाथ सत श्री अकाल। जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। आगे मंदिर सुप्रसिद्ध चार धामों में से एक है और चार धाम की यात्रा की शुरुआत भी यज्ञ का निर्माण करवाया था। पूरे विश्व में जगन्नाथ स्वामी की जय। मीनाक्षी अम्मावर। अब चलते हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का तालाब है और यहाँ दर्शन के लिए रोज 15,000 से मीनाक्षी अम्मावर की जय। चित्तूर की ये पहाड़ियाँ हमें पहुँचाए सिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इसमें 640 शिलालेख हैं और 70,000 प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन। हम भी श्री बालाजी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
स्कूल की यात्रा के समाप्त का समय आ गया है, पर इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं शेरी शेरी है हमारे साईं की शेरी। इस तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं, फिर से आपकी सेवा करने का मौका जरूर मिलेगा। नमस्कार। Come on.